नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुपर सेवन पर। मेरा नाम है भुपराज वैष्णव और आज हम लेके आए हैं नर्वस सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से पार्ट है, न्यूरोन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क से कैसे काम करता है ये न्यूरोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और इनमें समन्वय स्थापित करना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है दोस्तों, समन्वय स्थापित करने का कार्य नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम क्या क्या कार्य करता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम आपके सोचने समझने और उनका समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम ये तंत्र जो कोऑर्डिनेशन समन्वय करता है ना दोस्तों, वो दो तरीके से करता है। एक उसमें नर्वस सिस्टम हो गया, एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इन दोनों को मिलाकर एक अलग से शाखा बन गई है बायो में, जिसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन ब्रांच है। और इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है उसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम ओनली तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो क्या है तंत्रिका तंत्र, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे आपके पैर में कांटा वगैरह चुभ गया, तो उसकी जो एक्शन पे वापस अपना रिएक्शन होता है, वहां से हम पांव हटा लेते हैं। ये कैसे कार्य करता है, कैसे पता लगता है आपको कि कांटा लग रहा है आपके पांव में और वहां से हम पैर हटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज को समझेंगे आप आज हम कैसे कार्य करता है ये। ठीक है दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और उसको फंक्शनल यूनिट है, उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, और तंत्रिका तंत्र की शुरुआत माने तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है हाइड्रा से। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन के माध्यम से शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन के माध्यम से शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। न्यूरॉन जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ये न्यूरॉन का फोटो है मेरे पास में, ये है न्यूरॉन दोस्तों। इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स हैं जो ये साइड में ये निकले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें बना हुआ है पूरा, ये न्यूरॉन की एनाटॉमी है दोस्तों। ये होगी आपकी सेल बॉडी जिसको साइटोन बोलते हैं, इसको साइटोन, ये साइटोन हो गया, ये एक्सोन हो गया दोस्तों, और ये स्नेप्सिम नोड या स्नेप्सिम नोड, और ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं इनको डेंड्राइट बोलते हैं दोस्तों, डेंड्रोन या डेंड्राइट, डेंड्रोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मानव की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, और सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, तो फीमेल ओवम सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। महिला का जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है दोस्तों, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है दोस्तों, वो पढ़ेंगे आज। पहले पढ़ लेते हैं न्यूरॉन कितने टाइप्स के हैं, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ न्यूरॉन में 5 टाइप के न्यूरॉन होते हैं दोस्तों। यूनिपोलर जिसको एक ध्रुवीय बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एक साइटोन होता है, उससे नीचे की तरफ एक एक्सोन निकला होता है, एक एक्सोन निकला होता है। ठीक है दोस्तों, बाइपोलर है या द्विध्रुवीय है, उसमें क्या होता है ना, एक्सोन से ऊपर की तरफ एक डेंड्रोन निकला होता है, एक डेंड्रोन और नीचे के साइड में एक एक्सोन निकला होता है। ठीक है दोस्तों, जो एक ध्रुवीय न्यूरोन है उसका उदाहरण हो गया आपका भ्रूण की जो तंत्रिका तंत्र है ना, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता तंत्रिका तंत्र, तो वो एक ध्रुवीय न्यूरोन या यूनिपोलर न्यूरोन का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, बाइपोलर हो गया आपका आंख की जो रेटिना है वो आपकी होगी बाइपोलर न्यूरोन का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक एक्सोन और एक डेंड्रोन होता है। मल्टीपोलर में क्या होता है दोस्तों, एक एक्सोन होता है और बहुत सारे डेंड्रोन होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, एक एक एक्सोन हो गया और ये मल्टी बहुत सारे, ये हो गया आपके डेंड्रोन और ये आपका साइटोन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो गया आपके जो मानव में अधिकांश जो पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र, वो सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल है। जैसे अधिकांश कशेरुक जीव जो होते हैं, जैसे मानव हो गया, उनमें पाया जाता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों,
एपोलर न्यूरॉन आपका जिसमें अध्रुवीय, इसमें क्या होता है ना, न तो दोस्तों एक्सोन उपस्थित होता है और न ही डेंड्रोन उपस्थित होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है केवल साइटोन होता है। और ये आपका इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और रेटिना ऑफ एमाक्राइन कोशिका होती है दोस्तों, आंख की जो एमाक्राइन कोशिका है वो भी इसका एग्जाम्पल है एपोलर न्यूरोन का, ठीक है दोस्तों। और एक है सुडो यूनिपोलर न्यूरोन, सुडो यूनिपोलर न्यूरोन मतलब कूट एक ध्रुवीय न्यूरोन। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, साइटोन से एक एक्सोन होता है निकला हुआ और उस उसमें से एक पर्वर्ध निकला होता है जो कि एक डेंड्रोन की तरह लगता है, होता नहीं है डेंड्रोन, डेंड्रोन की तरह लगने वाला पर्वर्ध निकला हुआ होता है, ठीक है दोस्तों, और जो डेंड्रोन की तरह प्रतीत होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका दोस्तों मेरुरज्जु की पृष्ठ मूल गुच्छक, डोर्सन रूट गेनगुआ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका एग्जाम्पल डोर्सन रूट ऑफ गेनगुआ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों, मेरुरज्जु का पृष्ठ मूल गुच्छक। तो पांच प्रकार के आपके न्यूरॉन हो गए, ठीक है, ये टाइप्स है दोस्तों। इसके कार्य के आधार पे अलग और है न्यूरॉन्स जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पांच टाइप हो गए आपके, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर और सुडो यूनिपोलर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन्स। कार्य क्या करते हैं दोस्तों, ये जो भी अपना कांटा वगैरह चुभता है उससे क्या करता है ना, सेंसरी जो न्यूरॉन है आपका, जैसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स हैं जो कार्य कार्य के आधार पर बांटा हुआ है। तो तीन टाइप्स के हो गए दोस्तों, तीन तरह के न्यूरॉन हो गए कार्य के आधार पर, सेंसरी न्यूरॉन हो गया आपका, मोटर न्यूरॉन हो गया और इंटर न्यूरॉन हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके पैर में कांटा लगा है दोस्तों, तो उस कांटे लगने का पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले क्या ना सेंसरी न्यूरॉन आपका कार्य करेगा दोस्तों, वहां पे सेंसरी न्यूरॉन से आपके जो मैसेज है, डेंड्रोन कार्य क्या करता है दोस्तों, मैसेज को आपके शरीर के मैसेज को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से जो एनालाइज करता है उस मैसेज को, उसको वापस अपने जो शरीर का अंग है वहां पे पहुंचाता है। जैसे कि आपको गर्म चीज को आपने छू ली हाथ से, तो हाथ की सेंसरी न्यूरॉन है उसको सेंस करेंगे और उस मैसेज को आपके भेजेंगे माइंड के पास में, ब्रेन के पास में, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और फिर मोटर न्यूरॉन को बताएगा, और मोटर न्यूरॉन हमें वहां से हाथ हटाने के लिए हम हाथ हटा लेंगे, वो मैसेज अपने हाथ में वापस आएगा और हम वहां से हाथ हटा लेते हैं। वो वापस जो मैसेज गया था आपका गर्म चीज का हाथ से, या कांटा आपके पैर में लगा हुआ है, तो ये कांटा लगे होने का जो मैसेज है दोस्तों, वो सेंसरी न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक जाता है और वापस आने का कार्य करता है मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है इंटर न्यूरॉन, ठीक है दोस्तों, तभी तो सर्कल पूरा हो पाएगा ना दोस्तों। देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का सबसे बड़े कार्य सूचना को ग्रहण करना है, अडॉप्ट करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। और ये जिस हिस्से से सूचना को ग्रहण करता है उसको डेंड्राइट कहते हैं दोस्तों, इस हिस्से से सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, वहां से आपका ये ग्रहण करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है आपका मैसेज को। मोटर न्यूरॉन क्या करता है दोस्तों, जो मस्तिष्क विश्लेषण करता है उस सूचना का, उसको वापस अंग तक लाने का कार्य मोटर न्यूरॉन करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब मस्तिष्क से कोशिका तक पहुंचाने का, सूचना को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ये कार्य करता है आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटर न्यूरॉन, ठीक है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूरॉन है जो क्या करता है ना दोस्तों, इन दोनों को, एक तंत्र को दूसरे तंत्र से जोड़ता है, इन्हीं को, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये इंटर न्यूरॉन करता है आपका कार्य, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगा जितना पढ़ा है अभी तक। अब इस आधार पर आपका नर्वस सिस्टम कितने टाइप के हो गए दोस्तों, नर्वस सिस्टम के टाइप पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा था न्यूरॉन, न्यूरॉन वैसे आपके पांच टाइप्स के भी होते हैं और कार्य के आधार पे आपके हो गए तीन टाइप्स के। और अब पढ़ रहे हैं हम मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप का पाया जाता है, तो मनुष्य में तीन प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम तीन टाइप का पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं दोस्तों, दूसरा हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, और तीसरा हो गया आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं इनको आगे,
स्वायतंत्रिका तंत्र ही है दोस्तों, जो आपका कभी कभार जैसे घर में आप रूम में बैठे हो, एकदम से ही कुछ ब्लास्ट हो गया, तब आप तुरंत वहां से दौड़ के भाग जाते हो, तो वही वो सारे कार्य करने का कार्य स्वायतंत्रिका तंत्र करता है। या एकदम से आपके सामने शेर आ गया दोस्तों, तो जो कुछ भी एक्शन करते हो आप, तो वो सारे कार्य ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। बाकी पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या क्या काम है, क्या कैसे कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, एक सूचना को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है, और उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। इसके दो पार्ट हैं, मेन मेन इसके दो पार्ट हैं, एक ब्रेन हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। अब सोचिए, एक ब्रेन और ब्रेन के पीछे ही आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, जैसे यहाँ चित्र बनाया मैंने, ये आपका ब्रेन हो गया दोस्तों, तो ये हो गया एक तो पार्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और दूसरा इसी से जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का ही पार्ट माना जाता है ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका मेरु रज्जु और मस्तिष्क, ये दोनों पार्ट हो गए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब क्या कार्य है दोस्तों इनके, तो ये क्या करते हैं ना, अगर मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दें तो अपने जैसे पैर में कांटा लगा हुआ दोस्तों, और वो वापस अगर रिएक्ट ना करे मस्तिष्क, तो हम वहां पे अपना कांटा चुभ भी रहा है ना, तो हम अपना पाँव नहीं हटाएंगे वहां से, ठीक है। वो चुभ रहा हो, अगर गर्म तो है पे हम तो हाथ रख दिया है, तो वो हाथ भी नहीं हटाएंगे हम जब तक अपना मस्तिष्क काम नहीं कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मस्तिष्क का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो भी सूचनाएं जाती है अपने मस्तिष्क के पास में, और अगर मस्तिष्क ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर दे, तो मानव शरीर के सारे अंग कार्य करना बंद कर देंगे दोस्तों, या वो पर्टिकुलर जो अंग है, जैसे अपने तुवे के ऊपर हाथ रख दिया, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड कार्य नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपका आप वहां से हाथ नहीं हटाएंगे दोस्तों, तो आपका इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आपका सारा ये कार्य करता रहे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। जैसे ये बनाया मैंने, जैसे पाँव में आपका कांटा लगा दोस्तों, तो ये सूचना ऐसे जाएगी दोस्तों, जो मैंने नीले कलर से दिखा रखा है, ये सूचना जा रही है आपकी, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन से मस्तिष्क में गई, और मस्तिष्क से वापस जो रेड वाला दिखा रखा है, ये आपका मोटर न्यूरॉन से वापस आ गई, यहाँ इनको कनेक्ट करने वाला, ये देखो किसके थ्रू जा रहा है दोस्तों। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये बनाया हुआ जो ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट हो गया दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से आपका इंटर न्यूरॉन से कनेक्ट होगा मोटर न्यूरॉन, वहां से आपकी सूचना वापस आ जाएगी आपके पांव तक, ठीक है दोस्तों। तो ये काम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मेरु रज्जु किसको बोलते हैं दोस्तों, तो मेरु रज्जु का मतलब मेरु और रज्जु दो शब्दों से मिलकर बना है, मेरु रज्जु, मेरु और रज्जु से। मेरु का मतलब हो गया आपकी रीढ़ और रज्जु का मतलब रस्सी। तो मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में जो रस्सीनुमा तंत्रिकाओं का जाल होता है ना दोस्तों, उसी को स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु कहते हैं। वापस देख लीजिए, मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में जो रस्सीनुमा तंत्रिकाओं का जाल है, उसी को मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वर्टिबल कोलम भी बोलते हैं जिसको, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम इसके मेन, आपको ये ध्यान रखना है कि दो पार्ट है इसके, एक हो गया ब्रेन आपका और दूसरा हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। आगे पढ़ेंगे कैसे इनकी सूचनाएं का आदान प्रदान हो रहा है। पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वो पार्ट हो गया आपका दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और मेरु रज्जु हो गया, ये पार्ट हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इन दोनों को छोड़ दो दोस्तों, और उसके अलावा जो भी तंत्रिकाएं पाई जा रही है, वो सारी तंत्रिकाएं आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दे, तो बाकी जितना भी तंत्रिका तंत्र आपका वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगा दोस्तों। जैसे कि ये बना रखा है मैंने, ये आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन को मैंने छोड़ दिया है, तो ब्रेन की चारों तरफ जो ये
इसमें इनको बोलेंगे क्रेनियम नर्व्स, ये जो आ रही है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसी की तरह ये हो गया आपका, यहाँ पे नीचे के साइड में ये हो गया मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु से भी ये जो लाल लाल निकल रखे हैं दोस्तों ये तंत्रिकाएं हैं सारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, ठीक है दोस्तों। तो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हो गई, और एक यहाँ क्रेनियम नर्व्स हो गई। तो स्पाइनल नर्व्स हो गई जो स्पाइनल से जुड़ी हुई है, तो ये हो गई आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट, और क्रेनियम नर्व्स भी हो गई परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट। इनका कार्य क्या है दोस्तों, जैसे हम आंख से देख रहे हैं तो वो सूचना हमें कौन पहुंचा रहा है, वो परिधीय के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो परिधीय के अंदर ही आती है आंख की संवेदना, जो हम स्वाद हमें पता चलता है, नाक से जो अपनी स्मेल आती है, दोनों हाथ जो कार्य कर रहे हैं, दोनों पैर जो कार्य कर रहे हैं, मतलब मोस्टली ये मान लो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, उसके अलावा आंख का देखना हो गया, आपका हाथ हिलाना हो गया, पांव से चलना हो गया, ये सारे किसके थ्रू हो रहे हैं दोस्तों, तो इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं सारा कुछ, स्पाइनल जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है तो उसी से, ठीक है दोस्तों। जैसे आंख की संवेदना होगी, स्वाद की संवेदना, नाक की संवेदना, दोनों हाथों की संवेदना हो गई, पैरों की संवेदना होगी, जो भी चीज हमें हाथ से जो पता चल रहा है, आंख से जो पता चल रहा है, स्वाद कैसा है वो पता चल रहा है, वो सारा कुछ आपके मैसेज किसके थ्रू जाएगा दोस्तों, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके दोनों पार्ट्स हो गए, एक तो क्रेनियम नर्व्स होगी आपकी, क्रेनियम नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है दोस्तों। ये दोनों पार्ट हो गए इसके। क्रेनियम नर्व्स क्या है, इसके अंतर्गत दोस्तों 12 जोड़ी इसमें आपके ये होती है दोस्तों तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है जो पूरे चेहरे को कवर करती है, ठीक है दोस्तों। और जो चेहरे के ऊपर जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे आपके आंख का देखना हो गया, कान से सुनना हो गया, ये सारी चीजें, ये सारी कौन पहुंचा रहा है आपका, कान का नहीं, आंख से हो गया, नाक से हो गया, जो जीभ से आपका स्वाद है, वो सारे मैसेज पहुंचाने का कार्य क्रेनियम नर्व्स से होता है, जिसमें 12 जोड़ी आपके तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्ड से जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इसकी संख्या होती है दोस्तों 31 जोड़ी, मतलब संख्या में 62, इसी तरह इसमें हो गए 24 टोटल जो क्रेनियम नर्व्स में है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करती है, जैसे अपने पांव में जो कांटा चुभा है तो दोस्तों वो किसके थ्रू, इसी परिधीय तंत्रिका तंत्र के थ्रू अपने ब्रेन में जाएगी। जैसे पांव में कांटा चुभा ना दोस्तों, ये आपका माइंड हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मैं बना रहा हूं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और इससे अपना जुड़ा हुआ है हाथ पांव, सॉरी। तो यहां अगर आपका कांटा लगा तो इसके थ्रू जो मैसेज आ रहा है दोस्तों, पहले जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में, किसके थ्रू जा रहा है, ये स्पाइनल नर्व्स के द्वारा। तो स्पाइनल नर्व्स से फिर इसके थ्रू जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से माइंड में, माइंड से वापस रिटर्न होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड तब इसको जाके पांव हटाओ यहां से, ठीक है दोस्तों। ये मैसेज आएगा आपके पास में, तो किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्पाइनल नर्व्स के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही हाथ को ले लो, हाथ को आपने गर्म तवे पर रख दिया है तो हाथ भी आपका ऐसे जुड़ा रहता है ना दोस्तों, ये अपनी बॉडी, तो अगर हाथ में जल रहा है, गर्म तवे पर रख दिया, तो ये भी मैसेज आपका डायरेक्ट नहीं जा पाएगा ना दोस्तों, ऐसे कुछ है ही नहीं इधर, तो ये पहले जुड़ा हुआ है आपका स्पाइनल नर्व्स से। स्पाइनल नर्व्स मैसेज भेजेगी आपका, स्पाइनल नर्व्स कहां मैसेज भेजेगी दोस्तों, माइंड के पास में, और माइंड क्या करेगा, वापस उसको रिटर्न स्पाइनल नर्व्स के पास में, स्पाइनल नर्व्स सब अपने हाथ के पास में मैसेज भेजेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये अपने आप कार्य करता है दोस्तों। जैसे कभी कभार देखा होगा कि रूम में शेर आ गया हो, तो अब आपकी आंखें की पुतलियां फैल गई है, आप पसीने आ रहे हैं आपको, आपकी लार ग्रंथियां बंद हो गई है, ठीक है, बीपी आपकी बढ़ गई है दोस्तों। तो ये सारे कार्य एक साथ ही एकदम से ही हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कैसे होता है, तो ये दोस्तों इनको कंट्रोल करता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वैसे इस पे भी कंट्रोल मस्तिष्क का रहता है, ये नहीं है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता, इस पे कंट्रोल रहता है, लेकिन ये क्या है ना, हार्मोनों के द्वारा आपकी कंट्रोल होती है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं उस टाइम, जैसे कि शेर घुस गया आपके रूम में, तो बहुत सारे आपके हार्मोन स्रावित हो गए, उन हार्मोनों पे कौन कंट्रोल रखेगा, तो उन हार्मोन पे आपका
जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे आगे, ब्रेन में है ये थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो उसमें मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है वो नियंत्रण रखता है आपके हार्मोन्स पे, और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कार्य करता है आपके हार्मोन के श्रावण से। ठीक है दोस्तों, जैसे शेर आ गया तो आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी कोशिकाओं को, जिससे आप उससे या तो लड़ोगे या भागोगे। और वैसे लड़ोगे तो क्या भागोगे वहां से, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है दोस्तों, एनर्जी की जरूरत है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो वो किसके कहने पे बढ़ी, हाइपोथैलेमस उसको हार्मोन को वो करेगा दोस्तों, नियंत्रित करेगा, तो इस पे भी कार्य कर रहा है वैसे, लेकिन ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है सारी, क्योंकि ये ऑटो में होती है दोस्तों। आपको न सोचने समझने की जरूरत पड़ती है आपकी, जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी उस टाइम जब शेर आ गया हो, तो भागोगे आप, चिल्लाओगे, आंखों की पुतलियां आपकी फैल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो ये हो गई आपकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है दोस्तों, एक हो गया आपका सिंपेथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरा सिंपेथिक नर्वस सिस्टम, जिनको हिंदी में अनुकंपी है, और इसको पैरा सिंपेथिक को बोलते हैं प्राणुकंपी है। अनुकंपी है जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, आपकी जो कर्माकुंचन गति है, याद कीजिए दोस्तों क्या थी कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति जो आपके जिससे भोजन आपका आगे बढ़ता है वो धीरे हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपकी परानुकंपीय तंत्रिकाओं से होती है। ठीक है दोस्तों, और इनका रिवर्स कार्य कि वापस जब चलो शेर से आप बच गए हो, तब आदमी वापस रिलैक्स भी तो होता है, तब उसकी बीपी नॉर्मल होती है, उसकी आंख की पुतलियां सिकुड़ती है, इन सब का कार्य क्या कौन करता है, तो पैरा अनुकंपीय नर्वस सिस्टम उस टाइम कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए, सिंपेथिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपेथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, एक चीज हार्ट के बारे में, हार्ट रेट के बारे में, जो हार्ट हमने पढ़ा था तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बता देता हूँ आपको कि जो अम्लीयता होती है दोस्तों, तो उससे क्या ना आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, जबकि जो क्षारीयता होती है, क्षार से आपकी हार्ट रेट घटती है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कमरे में शेर आ जाए और आपके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है, तो ये सारी सिंपेथिक के अंतर्गत होती है, जैसे आंखों की पुतलियां फैल जाएगी, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये सारी क्रियाएं जो भी होती है दोस्तों वो सारी अनिच्छित क्रियाएं हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, आप इन पे कंट्रोल नहीं है आपका, और इतनी जल्दी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आप वहां से तुरंत भाग लेते हो दोस्तों। तो ये सारा जो भी हुआ ना, वो एड्रेनलिन ग्रंथि से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होता है दोस्तों। एड्रेनलिन ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, और इस हार्मोन श्रावण पे कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस, मतलब इनडायरेक्टली उस पर कंट्रोल आपका माइंड का है, लेकिन दोस्तों तब भी ये इतनी जल्दी होती है कि ये कभी कभार क्या ना, स्पाइनल कोड ही इनको आदेश दे देता है, स्पाइनल कोड ही आपका इनको, इसलिए इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उस टाइम में आपका मस्तिष्क को सोचने करने की ज्यादा एक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सारा आ गया आपका सिंपेथिक नर्वस में, और इनके अपोजिट में जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, तो उसको जब चलो शेर चला गया तो नॉर्मल करने में, आपकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ने में, जो भी कार्य वापस इनके रिवर्स में होगा, वो सारा कार्य क्या हो जाएगा, जैसे कर्माकुंचन गति आपकी नॉर्मल हो जाएगी, सांस जो आपका फूल गया था वो सांस आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी पैरा सिंपेथिक के नर्वस में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका इंपॉर्टेंट हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो गया आपका क्रेनियम नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हो गया आपका सिंपेथिक नर्व्स और पैरा सिंपेथिक नर्व्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पढ़ा आज, आज हमने हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन्स कौन कौन से, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, और इनके अलावा मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, उसके अलावा हमने तंत्रिका तंत्र पढ़े कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया होगा वीडियो जो बनाया दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया 2-3 बार रिवाइज कीजिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों लाइक कीजिए समझ में आई वीडियो, तो शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 7 को। थैंक यू।